अस्सलामुअलैकुम, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली जहाँ भी होगी खैरियत के साथ होगी। आज ही मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल किबाब, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ। चलिए जी, देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। यहाँ पर जी मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़, उनको उबाल के उनको मैंने मैश कर लिया है। यहाँ पर जी है ब्रेड क्रम्स, पालक लिए, स्वीट कॉर्न्स हैं, ग्रीन पीस हैं, शिमला मिर्च है थोड़ी सी, हरा धनिया है, एक कैरेट ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और एक प्याज है। जो मैंने मसाला जात लिए हैं वो ये हैं, 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, यहाँ पर थोड़ी सी जी खुश्क मेथी है, सॉल्ट है, चिली फ्लेक्स है, गर्म मसाला है, वाइट पेपर है, मिक्स मसाला है, इसमें खुश्क धनिया और गर्म मसाला है, और थोड़ी सी मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। चले जी शुरू करते हैं, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये सब सब्जियां आलू के मिक्सचर में जाएंगी, जो आलू मैंने मैश कर लिए थे। जी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने जी ब्रेड क्रम्स डाल दिए, वो इसलिए डाल रही हूँ कि इससे कबाब टूटेंगे नहीं, अच्छी तरह बनेंगे। अच्छा जी, अब ये मसाला जा जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे जी। यहाँ पर जी हमारा जो ये मिक्सचर है ये रेडी हो चुका है, मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी, पाप की शक्ल दे दूँगी। यहाँ पर जी ऑयल गर्म हो चुका है, तो जी मैं अब कबाब बनाऊँगी। हाथों पर पहले पानी निकाल के आपने इतना लेना है इसको ऐसे बना के, आपने इसके किनारों को अच्छी तरह शेप देनी है कि वो दिखने में भी नाइस लगे। ये देखें जी हमारा पहला कबाब रेडी हो चुका है, अब जी ये जाएगा। इसमें जिससे 4 ही जाएंगे, तो ये दूसरे भी इनको भी मैं साइड चेंज कर लूँगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ट्राई कीजिए, फिर मुझे फीडबैक दीजिए कैसी बनी है। इनको मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में, तो ये वाला कलर मैं लूँगी। अब जी हमारा ये कबाब रेडी है, इसको मैं निकालती हूँ। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कबाब तैयार हुआ है, तो इसी तरह मैं जो बाकी रह गए वो भी बना लूँगी, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जहाँ पर जी हमारे मिक्स वेजिटेबल के कबाब रेडी हो चुके हैं, तो आप को अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने ट्राई करनी है, फिर मुझे बताना आपकी रेसिपी कैसी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।